दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच और हार्दिक पांड्या का वो लास्ट ओवर, जिसके बाद इंडिया टीम ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। हार्दिक पांड्या के लिए वो फाइनल मैच की ट्रॉफी किसी मूवी की हैप्पी एंडिंग से कम नहीं थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अपने करियर के पिछले 6 महीने मुश्किल तरीन गुजारे हैं, लेकिन फाइनल विन करवा कर पांड्या ने साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। इंपॉर्टेंट मैच में परफॉर्म करना जानते हैं, बट जो हार्दिक पांड्या के हेटर्स हैं उनका हेट करना बनता भी है कि नहीं, जो उन्होंने आईपीएल में किया। हार्दिक पांड्या के मुश्किल वक्त की शुरुआत आईपीएल 2023 से शुरू हुई, जब वो अपनी पुरानी फ्रेंचाइज मुंबई इंडियन की तरफ से पिक हुए। हार्दिक पांड्या ने अपने करियर का आगाज आईपीएल 2015 से मुंबई इंडियन की तरफ से शुरू किया था और आईपीएल में बेस्ट परफॉर्म करने की वजह से उनका इंडिया क्रिकेट टीम में डेब्यू हुआ और तमाम जर्नी में मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने इस यंग टैलेंट को राइट वे पर लाया। हार्दिक पांड्या की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की वजह से मुंबई इंडियंस के फैंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हार्दिक पांड्या को, जिसकी वजह से इंडिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या का एक नाम बना। मुंबई इंडियंस को 7 साल में बहुत से मैचों में हार्दिक पांड्या ने विन करवाया, जिसकी वजह से मुंबई इंडियन के मोस्ट फेवरेट प्लेयर बन चुके हैं हार्दिक पांड्या। जिसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस की वजह से हार्दिक पांड्या के फैंस ही पांड्या के दुश्मन बन जाते हैं, जिसकी वजह से पांड्या के हेटर्स में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। लेकिन इस सब की वजह क्या थी, जानते हैं अगले पार्ट में। आईपीएल 2022 में दो और टीमों को शामिल कर लिया गया, जिसमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जेंट्स थे, जबकि पांड्या जो के मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे उन्होंने गुजरात टाइटंस टीम को ज्वाइन कर लिया, जो कि इस साल नई टीम थी। गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को टीम कैप्टन भी बना दिया। इस फैसले ने मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के फैंस ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने ना सिर्फ नई टीम ज्वाइन की बल्कि आईपीएल 2022 का गुजरात टाइटंस को चैंपियन भी बना दिया, जिसके बाद हेटर्स अभी तक भी उनसे खुश ना हो पाए और इस टाइटल्स को असल हकदार आशीष नेहरा को ठहरा दिया, जो कि उस वक्त गुजरात टाइटंस के कोच थे। जबकि हेटर्स ये भूल गए थे कि हार्दिक पांड्या ने 2022 की आईपीएल में सबसे ज़्यादा स्कोर किए थे। एक बार फिर आईपीएल 2023 में ये सब रिपीट होता है, जब हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस की कैप्टनी की। इस साल गुजरात को फाइनल विन तो ना करवा पाए, लेकिन फाइनल तक ज़रूर पहुंचाया था। लेकिन क्या फ़ायदा मिला पांड्या को, जबकि उस वक्त भी हेटर्स ने आशीष नेहरा को ही इसका हकदार ठहराया। जहां मुंबई इंडियंस फैंस हार्दिक पांड्या को ट्रोल करते, वहीं गुजरात टाइटंस के फैंस पांड्या को सपोर्ट करते। हार्दिक पांड्या के लिए फैंस बेस बन चुकी थी, जो उन्होंने गुजरात को एक बार फाइनल विन करवा कर और एक बार फाइनल तक पहुँचा कर अर्न की थी। हार्दिक पांड्या की फैन बेस गुजरात की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रही थी और अब शुरुआत हो चुकी थी, जब हार्दिक पांड्या को दोनों टीमों यानी गुजरात और मुंबई की तरफ से ट्रोल किया जाना था। नवंबर 2023 में एक न्यूज़ सामने आती है कि हार्दिक पांड्या फिर से मुंबई इंडियन टीम ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वापस आने की एक शर्त रखी है कि उसको मुंबई इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया जाए तो वो वापस आएंगे, वरना नहीं। और ये रिपोर्ट 1 महीने बाद सच साबित हो जाती है और ये हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन टीम के कैप्टन बन जाते हैं। बस यही वजह थी जिसकी वजह से पांड्या को हेट और ट्रोल किया जाना था। रोहित शर्मा को कैप्टन से हटा दिया गया, जिसने 5 सीज़न मुंबई इंडियन को विन करवाए थे। रोहित शर्मा के फैंस इस फैसले से काफ़ी नाराज़ थे। अगर देखा जाए तो नाराज़ होना बनता भी था, क्योंकि रोहित शर्मा की कैप्टनी में 5 बार मुंबई इंडियन टीम चैंपियन बन चुकी थी, लेकिन कैप्टन चेंज हुआ। इस तरह मुंबई इंडियन फैंस भी चेंज हुए, उन्होंने अपने ही टीम कैप्टन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या इस तरह ट्रोल करना डिज़र्व करते थे? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं।
ये सब कम था कि एक वीडियो क्लिप वायरल हो जाता है जिसमें हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को दायरे से बाहर फील्डिंग करने का कहते हैं। वैसे तो ये बात नॉर्मल है क्योंकि एक टीम कैप्टन फील्ड सेट करता है, लेकिन रोहित शर्मा के फैंस नाराज हो जाते हैं कि हार्दिक पांड्या ने अपने सीनियर प्लेयर्स की इज्जत नहीं की। पांड्या की मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है और इस साल पांड्या की कैप्टनी में मुंबई इंडियंस ने 14 मैचों में से सिर्फ 5 मैच ही विन किए थे। इस तरह टीम आईपीएल से बाहर हो जाती है। हार्दिक पांड्या का यह सीज़न बिल्कुल ख़राब गुजरा, फैंस का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इन सब की कोई परवाह ना की, अपनी क्रिकेट पर फोकस जारी रखा। क्योंकि हार्दिक पांड्या जानते हैं कि वो सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बल्कि इंडिया टीम के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, जिससे इंडिया टीम एक बैलेंस टीम लगती है। ये सब तो था आईपीएल, लेकिन अब शुरुआत होती है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की, जिसमें हार्दिक पांड्या ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और हेटर्स को ये साबित कर दिया कि वो ट्रोलिंग डिज़र्व नहीं करते। पाकिस्तान के खिलाफ फखर जमान और शदाब खान की इम्पोर्टेंट विकेट हासिल की, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ विनिंग टोटल तक टीम को पहुंचाया। जहां उनकी बैटिंग की ज़रूरत होती तो वो बैटिंग कर जाते, जहां बॉलिंग की ज़रूरत होती तो वो बॉलिंग कर जाते। फील्डिंग तो उनकी वाकई ही कमाल की है। इस तरह हेटर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए, लेकिन हेटर्स को बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए जब लास्ट ओवर में फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनको जीतने के लिए 16 रन्स की ज़रूरत थी, तब आते हैं एक बार फिर हार्दिक पांड्या, जिसमें उन्होंने पहली बॉल डेविड मिलर को आउट किया और साथ ही रबाडा को आउट कर देते हैं। टीम इंडिया को 7 रन से चैंपियन बना दिया आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का। लास्ट में हार्दिक पांड्या के वो इमोशनल मोमेंट्स जो साबित करते हैं कि उन्होंने लास्ट 6 मंथ में कितनी स्ट्रगल की है और बहुत ज़्यादा लोगों की बातें बर्दाश्त की हैं। हेटर्स को कोई जवाब नहीं दिया, वो जानते थे कि उनका बैट, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फील्डिंग, टीम में जाकर मेहनत करना वो बता सकती है कि वो हेटर्स के किस तरह मुंह बंद कर सकते हैं। तो इस तरह हार्दिक पांड्या की ये स्टोरी होती है एंड। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो मोस्ट वेलकम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा साथ दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।